जफर भाई सामने मत आओ बेटे, सामने हट जाओ भाई। मुजफ्फर भाई, मुकरम भाई, अरे भाई सामने आ, अरे मुझे भी डाल दो। पीछे से बस थोड़ा पीछे भाई, जरा कलीम में जरा पीछे बस। चार मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। सबसे पहले मुगलपुरा कमान को जो हेरिटेज में है, उस कमान को जो सो उसकी मंजूरी एरिया कॉरपोरेटर मुकरमली साहब नुमाइंदगी करके हासिल किए। तकरीबन 12 लाख रुपए की लागत से वो कमान को बिल्कुल नई बनाई जाएगी। फिर वहाँ से असरा हॉस्पिटल MS से लेकर वाल्टा तक 20 लाख की रोड, 40 लाख की रोड का इफ्तिताह हुआ, और सुल्तान शाही में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह हुआ, और एक दूसरा कम्युनिटी हॉल जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के तौर पे मंजूरी हासिल की गई थी उसकी भी 50 लाख की लागत से उसके भी काम का इफ्तिताह किया गया। एक बिल्डिंग जो नाजायज कब्जे में थी, कल बंदी वाले उसके कब्जे से आज़ाद करा के दिए। यहाँ का भी मंजूरा काम रुका होता है, यहाँ का भी काम का आगाज़ हुआ, यहाँ भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया। एरिया कॉरपोरेटर मुकर्रम अली साहब की जस्तजू से तकरीबन करीब 1 करोड़ के कामों की मंजूरी हुई और उसका इफ्तिताह भी हुआ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामों की तकमील होगी। कॉरपोरेटर साहब का आखिरी दिन है, वो बल्दिया में होगा लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अभी आखिरी दिन बाकी है। इनको हमेशा के ऐसा काम करना है और हम भी अपने साथ लेकर काम करेंगे। मुकर्रम साहब, ये बल्दी डिवीज़न मुगलपुरे में तकरीबन अभी 2.5 करोड़ रुपए के काम मंजूर करा के रखे हुए हैं जो टेंडर प्रोसेस में है। वो काम की भी जल्द तकमील होगी, जिसमें CC रोड, SW ड्रेन, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ये तमाम काम उसमें शामिल है। इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दी बरकी आबरसानी मसाइल को हल करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाने का जो सिलसिला जारी रखा वो जारी रहेगा। साल के 12 महीने हम अपने इलाकों में दौरे करते हुए लोगों की दुश्वारियों से वाकिफ होते और उनकी दुश्वारियों को दूर करते ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचे। इसके साथ ही मैं, हमारे कॉरपोरेटर साहब हमारे साथ इब्तदाई मजालिस के पूरे सरगर्म